किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, गत 10 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवम सोनी नाम का लड़का जो थाना खीरी में रहते हैं और वो गुमशुदा हैं, उन्होंने कुछ घंटे खुद से प्रयास किया था ये पता लगाने का, बट फिर पुलिस में कंप्लेंट की। तत्काल उसकी गुमशुदगी मिसिंग रिपोर्ट लिख करके पुलिस की कई टीमें लगा दी गई थी इसके अनावरण के लिए कि लड़का कहाँ गया हो सकता है, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही 24 घंटे के अंदर ही कुछ ऐसे क्लूज हाथ लगे जिससे पता चला कि उसके साथ अनहोनी हो गई हो सकती है और इसमें उसके जानने वाले इन्वॉल्व थे, और इसी क्रम में पूरी इन्वेस्टिगेशन से निकल गया है कि उसको 7 लोगों द्वारा कुल, जिसमें से 3 आज पकड़ करके जेल भेजे गए हैं, उनके द्वारा मार करके अपने ही घर में गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ देने, सबूत नष्ट कर देने का प्लान था, और इसके बाद वो लोग घर वालों से 50 लाख की फिरौती मांगते क्योंकि वो थोड़ी से इकलौता लड़का था वो अपने खानदान का, तो ये उनका मोटिव रहा है जिसमें से 3 लोगों को पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है जिनके पुराने भी नकली नोट, तमंचे और मोटरसाइकिल चोरियों के अपराध दर्ज हैं। ये लोग, ये क्राइम इन्होंने किया था और संबंधित धाराओं में अब उस मिसिंग रिपोर्ट को तर्मीन कर दिया। इसमें कुल कितने कुल जो घटना को अंजाम देने प्लानिंग करने में थे वो 7 लोग थे जिसमें से 3 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है।